हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विम्पी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों के दिनों में हमारे जो बाल हैं ना, वो एकदम झाड़ू की तरह रूखे, सूखे, ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। और चाहे जितना मर्जी शैम्पू यूज़ कर लो, जो भी यूज़ कर लो, लेकिन जहाँ होम रेमेडी की बात आती है, वहीं थोड़ा लगता है कि हाँ भाई, अब हमारी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो बालों की हो चाहे हेल्थ की हो, तो अभी थोड़ा सा हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ DIY मास्क, मैं लेकर आई हूँ आपके बालों के लिए, जो आपके फ्रिजी झाड़ू जैसे बालों को एकदम सॉफ्ट बना देगा। इसके बाद मैं दूंगी आपको कुछ टिप्स आपके बालों के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। और नीचे एक लाल रंग का बटन है जिस पर लिखा है बड़ा बड़ा सा सब्सक्राइब, उसे भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उस पर हिट कर दीजिए, ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहें। उसके लिए आपको बेल बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं कभी न्यू वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों को पता लग जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलिए जल्दी से देखेंगे कि कौन सा है वो DIY मास्क। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑयली दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने ड्राई होने की वजह से अपने बालों में ऑयल लगाया था। तो इस DIY मास्क को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो दूध चाहिए। आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकते हो, चाहे आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं उबला हुआ ही ले रही हूँ। इसके बाद आपको ऐड करना है इसके अंदर हनी। अगर हनी ऑर्गेनिक है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर पतंजलि वाला जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो अंदाजे से मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच हनी जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अभी इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ना मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। हनी को मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो दूध है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी होती है। तो आपको अच्छे से मिक्स करना है इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को। आप देख सकते हैं मैं अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ। तो लीजिए, ये मिक्स हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसे। इसे लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी रनी है, ये स्पिल करेगा इधर उधर। तो आप बाथरूम में ही ये काम कीजिएगा। मुझे यहाँ पर आपको दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ बेडरूम में शूट कर रही हूँ। तो अभी अच्छे से मैं लगा रही हूँ अपने स्कैल्प पर। आपको अच्छे से लगाना है, और इसे लगाने के आधे घंटे बाद आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है किसी माइल्ड से शैम्पू से। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे शेयर्स भी कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।